युवा कबड्डी सीरीज मैच नंबर 10 खेला जाएगा भाई हम्पी हीरोज वर्सेस पेरियार पैंथर्स के बीच में। दोनों टीम्स के आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिलेगी, एक एक प्लेयर के बारे में बात करेंगे, कौन सी टीम का कौन सा प्लेयर किस पोजीशन पर खेलेगा, सब कुछ आपको बताने वाले। बस वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ भाई जो कल के मैचेज रहे थे उनके रिजल्ट आप लोग हमारे टेलीग्राम चैनल पर जाकर देख सकते हो। वन साइडेड आप लोगों को अल्ट्रा क्लीनशिप मैंने करवा करवा के दिया है, तो अगर अभी तक आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो मेरे भाई बहुत कुछ मिस कर जाओगे। टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कीजिएगा क्योंकि जो भी हमारी फाइनल टीम होगी वो आपको यहीं पर मिलेगी। प्लस यहां पर देखिए 9.5 लाख की यहां पर ग्रैंड लीग लगी हुई है, इसके लिए भी भाई मैं आपको 3 से 4 जीएल कॉम्बिनेशन जरूर शेयर करूंगा, तो टेलीग्राम चैनल जरूर से जरूर ज्वाइन कीजिएगा, लिंक इन डिस्क्रिप्शन है टेलीग्राम चैनल का। तो फटाफट जाके भाई अभी के अभी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। बात करते भाई दोनों टीम की स्टार्टिंग 7 की, उससे पहले एक बार पॉइंट्स टेबल में लेकर चलता हूं, वहां पर आपको दिखा देता हूं किस प्लेयर की क्या मतलब कौन सी टीम की क्या पोजीशन यहां पर रहने वाली है। पेरियार पैंथर्स की बात करेंगे, एक मैच खेला और वही मैच अपना जीत के आ रहे हैं। हम्पी हीरोज एक क्लोज मैच में भाई हार के आ रहे हैं सिर्फ एक पॉइंट से, ठीक है। अब अगर बात करें भाई यहां पर जो स्टार्टिंग 7 है तो दोनों टीम्स की स्टार्टिंग 7 आपको बताने वाला हूं। सबसे पहले भाई हम्पी हीरोज से ही हम स्टार्ट कर लेते हैं। श्रेयस कुमार आर्य आपको दिखेंगे जो कि भाई लेफ्ट कवर की पोजीशन पर खेलता नजर आएगा, लास्ट मैच में 2 टैकल किए हैं। इसके अलावा भाई चेतन मंजुनाथ नायक बोल सकते हो आप इन्हें शॉर्ट में, टीम के कैप्टन है, राइट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलते दिखेंगे, प्लस भाई लेफ्ट साइड से रेडिंग करते आपको नजर आ जाएंगे, ठीक है। यहां पर अगर बात करें तो इनके अलावा कौन खेला था, इनके अलावा भाई यहां पर आपको खेलते नजर आए थे हरीश क्या नाम भाई पुट्टास्वामी यार जो भी आप बोलना चाहो, राइट कवर की पोजीशन पर खेलते नजर आएंगे भाई हरीश। इनकी अगर बात करें तो लास्ट मैच में 1 टैकल इन्होंने निकाला हुआ है। बात करेंगे ऑलराउंडर सेक्शन की तो यहां पर आपको राकेश गौड़ा नजर आ जाएंगे, राइट साइड से आपको रेडिंग करते नजर आने वाले हैं राकेश गौड़ा, ठीक है। यहां पर अगर आप देखो तो लास्ट मैच में 6 टच पॉइंट 2 बोनस पॉइंट इन्होंने निकाले हैं। इसके अलावा पी संगप्पा की बात करेंगे यानी कि भाई प्रदीप संगप्पा पुजारी की बात करेंगे, लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलेंगे, जीएल मिनी जीएल में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेंगे एज कम्पेयर टू स्मॉल लीग। बात करें अगर यहाँ पर भाई रेडिंग सेक्शन की तो यहाँ पर आपको कौन खेलते नजर आए थे भाई, सोमेश्वरा दर्शन आपको खेलते नजर आए थे भाई, वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर यहाँ पर ये होने वाले हैं, लेफ्ट साइड से रेडिंग करते नजर आएंगे प्लस राइट इन पर डिफेंस करते आपको नजर आ जाएंगे। लास्ट मैच में देखिए भाई 2 टैकल भी निकाले प्लस यहाँ पर 9 टच पॉइंट निकाले, आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे तो आपको शिवन गौड़ा नजर आएंगे जो कि अगेन लेफ्ट साइड से रेडिंग करेंगे, ठीक है। सामने वाली टीम की बात कर लेते हैं तो यहां पर देखिए सामने वाली टीम की तरफ से कौन कहां पर खेलेगा, तो सबसे पहले भाई यहां पर बात कर लेते हैं अभिषेक अजीपाल की राइट कवर की पोजीशन पर आपको खेलते नजर आ जाएंगे। इसके अलावा अगर परफॉर्मेंस देखोगे तो लास्ट मैच में 2 टैकल निकाले इन्होंने। इसके अलावा गौरव प्रवीण बंसल की बात करेंगे, लास्ट मैच में भाई ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकते थे बट ज़्यादा कुछ खास इन्हें करने का मौका मिला नहीं। बात करें पोजिशन की तो लेफ्ट कॉर्नर की पोजिशन पर यह आपको खेलते नजर आ जाएंगे। वहीं अगर आप देखोगे शिव करतार नागर को तो शिव करतार नागर भी आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे, राइट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलेंगे और ऑलरेडी मैंने आपको सामने वाले टीम के प्लेयर्स की पोजीशन बताई है तो उनके पास लेफ्ट रेडर ज्यादा है, तो यहां पर एस करतार नागर इस मैच में भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ठीक है। वहीं अगर आप देखोगे अंकित दिनेश वाटी भाई यहाँ पर लास्ट मैच में खेले थे और ज़्यादा कुछ खास नहीं कर पाए, राइट साइड से रेडिंग आपको करते नजर आएंगे प्लस लेफ्ट इनकी पोजीशन पर आपको डिफेंस भी करते नजर आ जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें जो लास्ट मैच में ट्रंप पिक रहे थे वो कौन थे भाई, आशीष वाटी। कहाँ खेल रहे थे भाई आशीष वाटी की अगर बात करें, राइट साइड से रेडिंग करते नजर आ रहे थे, ठीक है। इसके अलावा अगर बात करें तो के मवाई यहाँ पर खेले थे, कृष्ण मवाई टीम के कैप्टन है, अगेन राइट साइड से रेडिंग करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। ऐसे शुभम बिदूरी की बात करें तो लास्ट मैच में इन्होंने देखिए 2 टच पॉइंट निकाले प्लस 1 टैकल निकाले,
ठीक है, दो टच पॉइंट प्लस एक टैकल निकाला है, राइट साइड से ये भी नज़र आएंगे आपको खेलते हुए, प्लस लेफ्ट इनकी पोजीशन पर डिफेंस करते नज़र आ जाएंगे। तो ये चीज़ आपको ज़रूर से ज़रूर ध्यान में रखनी है। इसके अलावा अगर बात करें भाई यहाँ पर टीम की, तो चलिए अब मैं आपको टीम बना के दिखाता हूँ। ठीक है, तो यहाँ से गौरव प्रवीण बंसल नो डाउट मस्ट है पिक रहेगा, एस कुमार आर्या को मैं अपनी टीम में रखूँगा, नीचे अगर आप चलोगे तो भाई एस करतार को अपनी टीम में रखेंगे, ऑलराउंडर सेक्शन में आर तब गौड़ा को मैं अपनी टीम में रखूँगा, प्लस यहाँ से और कोई इंपॉर्टेंट प्लेयर नज़र नहीं आ रहा, यहाँ से साई दर्शन, के एम अवाई और आशीष भाटी को मैं अपनी टीम में रखने वाला हूँ। टीम प्रिव्यू आपकी स्क्रीन पर है, सीवीसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए जो कैप्टनसी है वो यहाँ से भाई अभी के लिए मैं देने वाला हूँ किसको, ए भाटी को। वीसी की अगर बात करें तो एस दर्शन को देने वाला हूँ, बट एक चीज़ आपको बता दूँ, जीएल मिनी जीएल में गौरव प्रवीण बंसल आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि सामने वाली टीम में सारे के सारे भाई राइट रेडर है, और गौरव प्रवीण बंसल की बात करें तो ये आपको लेफ्ट कॉर्नर की पोजीशन पर खेलते नज़र आ जाएंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट रहेंगे। टीम प्रिव्यू आपकी स्क्रीन पर है, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट फाइनल टीम है भाई, कोई भी अगर चेंजमेंट होता है, कुछ भी अगर अपडेट आती है, डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन एक ही जगह पर मिलेगी, हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये टेलीग्राम चैनल आपके लिए ज्वाइन करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, लिंक आपको इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में और इसी वीडियो के फर्स्ट कमेंट में मिल जाएगा। अब अगर भाई टीम आपने सेव नहीं किए तो कर लीजिएगा, और यार आपके लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं, अगर एक लाइक कर दोगे ना वीडियो को तो काम करने का जो मोटिवेशन है वो और ज़्यादा रहेगा, और काम करने में मज़ा भी और ज़्यादा आएगा। तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब ज़रूर से करके जाइएगा। बाकी मैं मिलता हूँ मैच टाइम पर टेलीग्राम चैनल पर, तब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।